भी है जो डॉक्यूमेंट्री है उसके बारे में? यार मुझे ना एक फ़ोन आया मेरे दोस्त का कि राघव यूरो कि उसके भाई का मूवी है। यशस्वी को मैं जानता हूँ कि वो जिस तरह से वर्क करता है, जिस तरह से उसकी डॉक्यूमेंट्री होती है मैंने देखी, क्योंकि हम लोग उनके घर पे ही रहते हैं ज़्यादातर के। सो मुझे ज़्यादातर के कुछ नहीं पता, बस आज बहुत खुशी हो रहा है कि जो छोटी छोटी चीज़ें हो रही थी एंड यशस्वी भी उसकी 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 डॉक्यूमेंट्री भी बहुत अच्छे लेवल तक गई है, बट ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उसके लिए। सो वही मैं आज देखने आया हूँ। मैं नाम भी पहली बार ही देख रहा हूँ यहाँ पर। एंड विवेक जो है इनके मैंने वीडियो देखे थे वो हकलाते जैसे। सो यही है एंड मैं देख रहा हूँ, पता नहीं अभी कैसे होगा, बट आई नो कि जहाँ पर यशस्वी काम करता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है। दर्मेश आप भी बहुत स्ट्रगल आपने किया है, बहुत ही यंग एज में आपने नाम कमाया है, कितना मुश्किल होता है यंग एज में नाम कमाना, और आज के यंगस्टर को देख के आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत मुश्किल होता है। पहली बात तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। आप जब भी कोई वर्क करते हो या जो भी सब चीज़ें करते हो तो आपका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। बट हाँ यशस्वी की बहुत एज में बहुत छोटा है, बट आप जब उनका काम देखोगे तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा उसने वर्क किया है। सो बहुत डिफ़िकल्ट है छोटी एज में करना, क्योंकि बहुत सब चीज़ें आपको जाननी पड़ती है, समझनी पड़ती है। एंड देन बोलते हैं ना, वो ऐसे बोलते हैं कि भाई आप जितना काम करोगे उतना समझोगे उस काम। सो बहुत ज़रूरी है, बट हाँ आज की जनरेशन बहुत अच्छी है जो कम एज में। आप भी तो बड़े भाई जैसे यशस्वी के, किस तरह सपोर्ट किया आपने? मैं बस अभी मैं ऑब्वियसली ऐसे सपोर्ट करने में उसके सब काम को मैं सपोर्ट करता हूँ यशस्वी के, जितने भी उसके काम रहे जहाँ भी वो ट्रैवल करता है, ट्रैकिंग करता है। सो उसके लिए मैं सपोर्ट करता हूँ एंड आई नो कि ये मूवी को भी मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करूँगा क्योंकि यशस्वी की। मेरा अभी जुलाई में मेरा राघव एंड पुरीत का मूवी आएगा नवाबजादे। सो जुलाई में रिलीज़ हो जाएगा एंड देन उसके बाद डांस प्लस शुरू हो रहा है, ABCD 3 आ रहा है, दो तीन है प्रोजेक्ट है, वो जब डील पक्का हो जाएगा देन मैं आपके सामने आऊँगा एंड देन बताऊँगा। लास्टली रेमो सर की फिल्म आने को तैयार है? जी जी जी। कितने एक्साइटेड आप और कितने बड़े फैन हैं आप? पता नहीं, देखो वो मूवी किनका भी हो कैसा भी हो, लेकिन एक चीज़ है कि वो फैमिली पिक्चर मुझे लगती है क्योंकि रेमो सर ने बनाई है। सो एंड सलमान भाई को भी मैं बहुत मानता हूँ। सो आज ही कल ही मैंने पोस्ट किया है क्योंकि गाना आज उनका रेस वाला जो वो हुआ है। सो तो सपोर्ट तो दिल से बहुत है एंड मैं भी ये चाहूँगा कि रेस 3 भी बहुत ही जैसे रेस 1 रेस 2 जितनी बड़ी फिल्म है एंड जितनी सक्सेस हुई है ये भी उतनी सक्सेस हो। थैंक यू सो मच। अगर आपके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री बायोपिक बनाई जाए क्या लगता है? अभी 3-4 लोग लिख तो रहे हैं बट पता नहीं मुझे नहीं पता नाम क्या होगा, बट हाँ वो तो डायरेक्टर ही डिसाइड करेगा। और कैरेक्टर कौन प्ले करेगा, आप खुद रहेंगे या कोई और? अभी मुझे नहीं पता है कि अभी ये जो अभी मुझे छोटा दिखाना मैं कैसे दिखाऊंगा। सो पता नहीं, वो तो डायरेक्टर का कॉल है, 2-3 लोग लिख के गए बट आई डोंट नो। इतनी बढ़िया लग रही है वो ट्रेलर देख के, ऐसा लग रहा है कि मैं पहला शो देखूँ क्योंकि मैं मान गया, मैं रणवीर को मान गया एंड रणवीर जो जिस तरह से वर्क करते हैं वो बहुत अमेजिंग रहता है एंड जिस तरह से अलग अलग कैरेक्टर पकड़े उन्होंने, जवानी के एंड देन वो थोड़े एज वाले, तो हर एक चीज़ ऐसा लग रहा है कि संजू बाबा ही बात कर रहे हैं, वही एक्ट कर रहे ऐसा लग रहा है। सो मैं बहुत खुश हूँ कि वो जब भी मूवी आएगी तो मैं सबसे पहले जाऊँगा देखने। थैंक यू सो मच। पहले मैं आपसे इसलिए बोला था कि मैं पहले फिल्म देख लेता हूँ फिर बताता हूँ, तो आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि एक बहुत ही एक्सपेरिमेंटल वर्क है जैसे श्री ज्वेल ने जो फिल्म बनाई है, और मुझे इस बात की खुशी होती है कि अब आप ऐसे सब्जेक्ट पर भी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं जिसके बारे में आप भी सोच भी नहीं सकता था, और निश्चित तौर पर आई एम एक्साइटेड कि फिल्म बहुत अच्छी होगी और डॉक्यूमेंटेशन बहुत ऑथेंटिक होगा और जैसा कि मुझे यहाँ के माहौल से लग रहा है। सो मेरी हाँ प्लीज सर, आपने लंबा समय इंडस्ट्री को दिया है, कितना मुश्किल होता है न्यू कमर्स को अपना टैलेंट दिखाने या कुछ उसके बारे में क्या कुछ कहना आपको, यूथ को किस तरह देखते हैं? मैं यूथ को इस तरीके से देखता हूँ कि टैलेंट तो नहीं छुप सकता है, वो किसी ना किसी तरीके से बाहर आ ही जाएगा। इफ़ यू आर टैलेंटेड,
इफ़ यू आर फोकस्ड तो आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, ये है मुश्किलें और स्ट्रगल या सो कॉल्ड स्ट्रगल, वो तो होता है, वो तो पार्ट ऑफ जर्नी है और सक्सेस के बाद भी वो होता है। सो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मेरे जैसे गांव से आने वाला व्यक्ति यदि 20 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो शायद वो थिएटर की वजह से कर रहा हूँ, ईमानदारी की वजह से कर रहा हूँ या अपना फोकस की वजह से कर रहा हूँ। सो यूथ के लिए मेरा वही है कि जस्ट फेम की तरफ मत भागिए। बहुत इंस्टेंट और छोटा छोटा फेम और आपकी फ़ोटो छप गई तो आप समझ लेते हैं ये सब कुछ हो गया, एक्चुअली वो कुछ नहीं होता, उसके बाद ही शुरुआत होती है। तो आपको काम आना चाहिए, सो डेफिनेटली यू विल गेट गुड वर्क। मुकेश सर, आपकी कोई अपकमिंग फिल्म कोई आने वाली है, उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? एक तो मेरी राघव के साथ ही फिल्म आ रही है नवाबजादे, और उसको लेके भी एक्साइटेड हूँ। इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, मस्ती की है। और एक और फिल्म है, ये फिल्म पाकिस्तान में बैन है जिसकी डबिंग अभी मैं कर रहा हूँ, और अनुराग जी उसके डायरेक्टर हैं, मिस्टर सुनील। सो दो तीन फिल्म हैं, एक साउथ की दो फिल्में आने वाली हैं। सो सर, फिल्म की बात हुई तो आप गोलमाल में एक संजू बाबा के कैरेक्टर में पसंद किए, और संजू की बायोपिक भी आ रही है जिसमें रणवीर काम कर रहे हैं, कितना आप रिलेट कर पाए, कितनी पसंद आया? मैं देखो, जो वसूली भाई है वो संजू बाबा का भक्त है, और जो रणवीर ने किया है वो संजू बाबा को ही निभाया है। सो ये दो बिल्कुल अलहदा चीज़ें हैं कि एक तरफ मिमिक्री या एक थोड़ा सा उनको उनका फ़ैन होना अलग है, और उनको निभाना एक अलग एक्सरसाइज है। और मैंने करीब 25 बार उसका मैं प्रोमो देख चुका हूँ, टीज़र देख चुका हूँ, और हाईली इम्प्रेस्ड हूँ। और मुझे लगता है कि राजू हिरानी जी का एक सिग्नेचर फिल्म ये है, और मैं संजू बाबा के की इज़्ज़त भी बहुत करता हूँ, उनके करीब भी बहुत हूँ, और डेफिनेटली वो एक अपने आप में इतिहास है। सो मेरी पूरी शुभकामनाएं। सो लास्टली क्या कुछ वेल विशेस देना चाहेंगे इस शॉर्ट फिल्म को लेकर? निश्चित तौर पे कि मेरा ये है कि फेस्टिवल्स में खूब ले जाएं, और सबसे फेस्टिवल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसी फिल्म आम जनता तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ वो डॉक्यूमेंटेशन या अपनी आप बीती और सिर्फ आपस में दोस्तों ने देख ली वो ऐसी फिल्म ना हो जाए, या फेस्टिवल्स में चली गई वहाँ पर सिर्फ अवार्ड्स मिल गए, जनता तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी बिल्कुल वेल विशेस हैं, तो और मैं यही चाहूँगा कि आम लोगों तक ये फिल्म पहुँचे। यार एक्साइटमेंट तो राघव के चेहरे पे, उसके भाई की डॉक्यूमेंट्री, एंड आई थिंक आई एम हियर ओनली टू सपोर्ट, बिकॉज आई थिंक एवरीथिंग दैट मुझे राघव बहुत अच्छा लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, एंड आई लव एवरीथिंग दैट ही डज, एंड आई थिंक एवरीथिंग दैट ही शेयर्स एंड ही वॉन्ट्स टू डू इज ऑलवेज अबाउट एक चेंज के बारे में होता है, कुछ अच्छी चीज़ के बारे में होता है। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आई एम हियर, बिकॉज हर चीज़ जो राघव से कहीं ना कहीं जुड़ी होती है उसमें बहुत हार्ट होता है। There's a lot of heart in everything that he does, and that's exactly why I'm here, to support him, to support his brother, and you know, to make sure that everybody out there sees in logo ki mehnat, and it reaches out to all of you guys. Ritvik, ek aisa ek rapper ke bare mein kahani jo hakla ke bolta hai, jo aapke liye koi aisa hai jo kafi ekdam mere school mein hua karte the, mera ek dost tha jo main 4th standard mein tha, उसको स्टैमरिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, एंड वो ऐसा नहीं था कि वो गाता था तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता था, बट हाँ उसको स्टैमरिंग की बहुत प्रॉब्लम थी, आई रिमेंबर कि उसका बड़ा मजाक उड़ाया जाता था कई बार दोस्ती में, हम लोग भी उसका बहुत मजाक बनाते थे, बट द ओनली वन दैट आई नो इज हिम, मेरे 4th स्टैंडर्ड का एक वो दोस्त था, एंड ये कहानी बहुत अलग है, ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में जो जब बात करता है तब स्टैमर करता है, लेकिन जब गाता है तब स्टैमर नहीं करता। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू सी, मैं अंदर जाके देखूंगा व्हाट इट इज, एंड देन आई विल बी एबल टू गिव यू अ लिटिल मोर अबाउट इट। सो रिव्यू आज के यूथ को किस तरह देखते हैं, आपने भी लंबा स्ट्रगल किया है फिर भी? यार आज का हमारा जो यूथ, आज हम जो है ना, हम हमारा जो यूथ है फिलहाल उफान पर है। लेट मी टेल यू, दिस इज टेक्निकली द बेस्ट टाइम फॉर आवर नेशन, इज बिकॉज अब इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, प्लेटफॉर्म्स इतने ज़्यादा हो गए, लोगों को अपनी बातें पहुँचाने का दूसरे लोगों तक इतने सारे जरिए बन चुके हैं कि अब किसी का मोहताज नहीं है। कहीं ना कहीं एवरीबडी हैज़ देयर ओन प्लेटफॉर्म, एवरीबडी हैज़ देयर ओन वे ऑफ शोइंग देयर टैलेंट। सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा टाइम है हम सब लोगों के लिए, एंड आई थिंक एवरीबडी आउट देयर हुज़ यू नो ट्राइंग टू गेट देयर बेस्ट आउट देयर फॉर द ऑडियंसेस, प्लीज़ यू नो गिव इट ऑल दैट यू हैव, एंड यू नेवर नो कि हम कहाँ जा सकते हैं। ऋतिक, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, तो आपको क्या लगता है इंडिया में कितना स्कोप है डॉक्यूमेंट्रीज के लिए? बिल्कुल है यार, आई मीन टेक्निकली देखिए ऑडियंस, अगर आपकी डॉक्यूमेंट्री हो, आपकी फिल्म हो, या आपका कुछ भी आपकी कोई भी सीरीज हो, एनीथिंग दैट यू ट्राइंग टू मेक, उसमें क्या है ना कि अगर आपकी आपकी बनाई हुई जो चीज़ है उसमें ऑनेस्टी है,
तो वो अपने आप अपनी ऑडियंस ढूंढ लेती है. तो आपकी ऑडियंस आपके प्रोडक्ट को ढूंढते हुए आप तक पहुंच जाती है आज के टाइम पे. सो यू डोंट रियली नीड टू गो टू द ऑडियंस, द ऑडियंस इज योर ऑडियंस इज राइट देयर ऑल ओवर द इंटरनेट. सो या थैंक यू वेरी मच. सबसे पहले इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राघव आपके बहुत अच्छे दोस्त थे, उनके भाई का ये प्रोजेक्ट है, कैसा लगा आपको सबसे पहले? राघव मेरा भाई जैसा है तो उसका भाई मेरे भाई जैसा है. एंड हम लोग की एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट फैमिली एंड हम लोग की वी आर वेरी टाइट टुगेदर. एंड यशस्वी हम सब जानते हैं यशस्वी कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और काफ़ी सालों से ही इज़ इन टू दिस फिल्म मेकिंग, यू नो वो एक जोन में है. और जब एक बंदा टैलेंटेड हो, क्रिएटिव हो, हार्ड वर्किंग हो तो ये मूवी बनती है. एंड आई थिंक यशस्वी ने बहुत बहुत बेहतरीन मूवी बनाई है. एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग. आई थिंक ही इज़ गॉट राघव जितनी ऊँचाई छुएगा उससे डबल यशस्वी छुएगा बिकॉज ही इज़ फोकस, ही इज़ वेरी नाइस गाय. और आई स्टैमर व्हेन आई टॉक कैसी लगी आपको फिल्म में क्या खास बात लगी आपको? ये फिल्म में वैसा कुछ माइंड ब्लोइंग चीज़ें नहीं थी. व्हाट आई रियली लव्ड अबाउट दिस मूवी वाज ऑनेस्टी एंड एक ऑनेस्ट दिल से एक ऑनेस्ट इंसान के बारे में एक ऑनेस्ट फिल्म बनाई है. एंड जब अगर एक इंसान एक मूवी को एक वर्ड में डिस्क्राइब कर सकता है तो मूवी बहुत अच्छी बनी है. तो मुझे लगता है एक ऑनेस्ट मूवी बनी है. पूरे आप किस तरह से देखते हो न्यू न्यू कमर जब इंडस्ट्री में आते हैं तो फिर कितना स्ट्रगल करना पड़ता है? आपने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है देखा जाए तो, आप किस आपका क्या टेक है इसके ऊपर? स्ट्रगल होना ज़रूरी है. स्ट्रगल के बिना जो चीज़ें मिलती है वो अप्रिशिएट नहीं की जाती है. उसको हेलो उसे अप्रिशिएट नहीं की जाती है. तो बेशक बहुत मेहनत स्ट्रगल करो, बेशक बहुत मेहनत करो, बेशक बहुत ऊँचाई छुओ बिकॉज उसके बाद ही यू नो यू विल इन्जॉय. अगर आप सीढ़ियों को मेहनत करके चढ़ोगे नहीं तो आप टेरेस में कैसे पहुँचोगे? तो मेहनत की ज़रूरत ही है. और लिफ्ट ऊपर नीचे जाना है पर वो ख़राब भी हो सकती है. तो फास्ट लेने का ही नहीं, अपने पैरों पे फोकस करो और जस्ट गो ऑन टू द टेरेस. फिल्म देखने के बाद एक क्विक रिएक्शन क्या दिया आपने यशस्वी जुयाल को? अभी तक दिया नहीं, मैं इधर आ गया, आई हैव टू मीट हिम. एंड आई मैंने पहले भी बोला है इज़ वेरी टैलेंटेड, आई रियली लव हिम. बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही टैलेंट है उसके अंदर. एंड आई एम जस्ट गोना कांग्रेचुलेट हिम एंड विश हिम ऑल द बेस्ट. फ्यूचर में कभी उनके साथ काम करते हुए? अरे मैं मेरी पर नाचते हुए दिखाई देंगे, मेरी खुशकिस्मती होगी अगर वो मुझे डायरेक्ट करेगा बिकॉज एक एक्टर एक आर्टिस्ट को सबसे इंपॉर्टेंट वही बात होती है जब एक अच्छा डायरेक्टर मिला. एंड आई थिंक इज वेरी गुड. आपके लगता है डायरेक्टर बन गए तो उनकी मूवी वेरी रेस थी, तो आप कितने एक्साइटेड हैं? रेमो सर अगर खाना भी खाएंगे तो मैं एक्साइटेड रहूँगा. रेमो सर जो भी करेंगे मैं एक्साइटेड रहूँगा. रेस 3 बहुत बड़ी मूवी है और आई होप कि मूवी बहुत अच्छी हो क्योंकि रेमो सर को कौन प्यार नहीं करता. एंड वी रिस्पेक्ट हिम, लव हिम. एंड आई जस्ट होप एंड आई प्रे कि रेस 3 जैसे बहुत सारे अनेक बड़ी बड़ी मूवी बने और रेस 3 बड़ी हिट हो जाए उसके बाद ABCD की शूटिंग स्टार्ट हो जाए. अच्छा ABCD की बात की आपने तो जी. क्या ABCD 3 में मतलब ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ बात हुई है रेमो सर से, अगर कुछ शेयर करना चाहे? रेमो सर ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, खाली सिर्फ इतना ही कहा है कि ABCD 3 बनेगी. आई थिंक ही अनाउंसड ऑल्सो, टाइटल अनाउंस नहीं हुआ है बट फॉर श्योर एक डांस मूवी बनने वाली है जो इंडिया की सबसे बड़ी 3D मूवी होगी, ऐसा प्रॉमिस किया रेमो सर ने और हम रेमो सर के प्रॉमिस पे खड़े उतरेंगे. ओके थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके धर्मेश क्या कहना चाहेंगे? आपने जो है फिल्म देखी, क्विक रिएक्शन क्या था? अरे मैं बोला ही था ना आप लोगों को कि इसका काम मुझे पता है एंड मैं देखे हैं. अब अपन लोगों ने कुछ ऐसे क्लिप देखे थे कुछ ऐसे अली के भी, हाँ, इस टाइप के कुछ थे. सो आई नो मुझे पता है कि ये वर्क कैसे करता है एंड बहुत सही कुछ यूनिक सा है. सब लोग यही बोल रहे हैं ना कुछ यूनिक सा है बट सच में बहुत यूनिक है. एंड एक मैं बोलते हैं ना मुझे मैं देख रहा हूँ उसमें वो डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी मुझे ऐसा मेरा सब लोगों का अपना अपना एक चीज़ दिखी होगी उसके अंदर कि इस तरह से. बट हाँ जिस तरह से विवेक को मैं तो चाहूँगा और आगे ऐसे मिले एंड ऐसे ही माइक के साथ ऐसे ही कैमरे के साथ और बड़े बड़े करो भाई है ना. अरे मैं आते रहो ऐसे माइक देते रहो. सो लो पानी पी लो. धर्मेश भाई को मैं बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ, दरअसल अमेरिका निकल गए थे इसी काम के सिलसिले में. सेंटर भाई तो वो बहुत टाइम बाद आ रहे हैं तो आज हम मिलेंगे और आज मेरे ख्याल से सुबह तक मिलते रहेंगे. फिल्म देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन था? फिल्म मैंने पहले भी देखी है और फिल्म का ये रिएक्शन मेरा अभी भी वही रहेगा कि यार बहुत ऑनेस्ट है यार, बहुत ऑनेस्टी से बनाई है. कोई ऐसा नहीं है कि बनाने के लिए बनाई है या फिर और सिनेमा को बहुत ये सिनेमा है एक्चुअली डॉक्यूमेंट्री है. किसी एक इंसान को उसके अंदर के भाव क्या चल रहे हैं, बाहर क्या चल रहे हैं, वो पूरा डॉक्यूमेंट्री में असल में आता है. कोई मतलब ये कोई सतही वैसी बात नहीं है तो सामने आता है वो.
तो डॉक्यूमेंट्री में सबसे स्पेशल बात ये है कि आप अंदर सबटेक्स्ट देख सकते हैं, सबटेक्स्ट भाई लोग सामने रखो ना सेंटर को। अच्छा मेरे को उनसे उन्होंने पूछा था सेंटर हां अच्छा हाँ अरे ये लोग भी तो हैं तो हाँ तो मेन है कि सब टेक्स्ट जो हम लोग कभी कभी करते हैं फिक्शन फिल्म्स में कि अंदर जो चल रहा है हम बाहर नहीं बताते हैं, इसमें क्या है जो अंदर है वो बाहर है, तो सब खुला मामला है भाई। यस इट इज ऑनेस्ट। इन फ्यूचर आप दोनों का कोलैबोरेशन कभी देखने मिलेगा या फिर वो डायरेक्ट करे आप? अभी हुआ है तो, अभी एक इंतहा ने हम लोगों ने ताबिश पाशा एक है सिंगर एक ही है ताबिश काम सुन लो अपने तो ताबिश पाशा जो है उन्होंने उनके साथ मैंने किया था और इसने डायरेक्ट किया था वो और लकी और अग्रेम और उनका वो प्रोडक्शन यस यस उन्होंने किया था साथ मिलके तो यस हम लोग करते रहते हैं कुछ ना कुछ मगर अभी मैं लाइक हुआ नहीं हूँ तो मुझे अभी और एक्टिंग में सीखना पड़ेगा और घुसना पड़ेगा ताकि मैं और हम ऊपर जाते हैं ना घूमने फिरने जब घर जाते हैं ट्रैक पे जाते हैं तो लगा रहता है वो वेंचर कोलैबोरेशन लगा रहता है कैमरा में इधर कुछ ना कुछ हम पे इतना सारा है जो ऐसे ही पड़ा हुआ है हम सबका आपस का। बट एक चीज़ है कि दिखता है कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, एक चीज़ है। और ऐसा नहीं कि आज ये मूवी देख के बोल रहा हूँ, मैं तो बहुत पहले से बोल रहा हूँ, जब इसको पहली बार देखा था तब ऐसा लग रहा था कि बंदे में कुछ है। सो यार मुझे लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ हो रहा है। बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं उनका कोई ड्रीम एक्टर होता है कि मैं इस एक्टर को जो है जरूर कास्ट करूंगा, तो आपका ऐसा ड्रीम एक्टर है कोई अगर आप शेयर करना चाहें? लोग सामने भाई इधर ड्रीम एक्टर रफ्तार भाई तू भी आ गया ओके नहीं तो मैं कास्ट करना चाहूंगा किक में जैसा जाऊंगा संजय मिश्रा। संजय मिश्रा और क्यों? जब से मैंने आंखों देखी थी एक फिल्म आई थी इनकी, वो फिल्म देखने के बाद से मेरे को बहुत अंदर से एक लस्ट था कि इनके साथ कुछ गलत नहीं करना। अच्छा आप दोनों से जानना चाहूंगा जो है रेमो सर की फिल्म आ रही है रेस 3 आपको पता होगा, क्या कहना चाहेंगे? अपने ट्रेलर और म्यूजिक देखा होगा फिल्म का, कितने एक्साइटेड है फिल्म देखने? मेरे को सबसे बढ़िया लगा कि आज जो गाना लॉन्च हुआ मैं उसका कल रात से इंतजार कर रहा था और 3 days to go होता है इंटरनेट में तब से इंतजार कर रहा था और आज जाके वो गाना लॉन्च हुआ। मैंने भी 7 बजे देखा, अल्लाह दुहाई है। यस सो बहुत ही बढ़िया गाना एंड क्योंकि पहला जो मूवी आया था देन सेकंड आया था सो उसके बाद थोड़े फास्ट इस पे था पेस पे था, अब ये थोड़ा वो ट्रैप वाले उस पे आया है। सुना है ना तो बहुत इवन डांसिंग के लिए भी बहुत डांसिंग के लिए भी। और मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा अगर व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू सर की पिक्चर है कि मैं ओला उधर मतलब, हाँ मैं देख रहा हूँ ओला उबर से मैं ट्रैवल करता हूँ, इतनी गाड़ियाँ उड़ाई हैं उसमें तो मैं चाहता था अपने बच्चों को अगर 2 गाड़ी दे देते वो इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ उड़ाई हैं, बस इतना मैं कहना चाहूँगा। एबीसीडी 3 की भी बात हो रही है तो उस फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड है और उस बारे में कुछ बात हुई है रेमो सर से अगर कुछ शेयर करना चाहे? बस एबीसीडी 3 की बात हुई है अभी एबीसीडी 3 की बात हो रही है और हमारी ऐसे बात ही होती है हमारे घर का जैसा माहौल है अभी तो फैमिली मूवी लगती है वो जो भी ऐसा होता है कि आज यार पार्टी है ऐसा ऐसे सोचते हैं चलो मूवी है तो हमारी फैमिली की मूवी है एंड बहुत सही है। हमारे साल का हमारे 2-3 साल में हम एक ही बार ब्रेक लेते हैं, हम बहुत काम होता है तो हमारा जो ब्रेक होता है वो एबीसीडी होता है। ओके अपने भाई को किस तरह सपोर्ट किया आपने मूवी बनाते हुए? मैंने सपोर्ट सिर्फ ये किया है कि भाई मैंने कैटरिंग वालों को बुलाया है, चाय समोसों का इंतजाम किया है, बाकी सब इसने किया है, शूट वूट सब कुछ। सैंडविच ऐसा समोसे नहीं सैंडविच है, अरे यार ये पेट में समोसों वाली फीलिंग क्यों आ रही है? थैंक यू सो मच।